नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम के राजस्व विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रताप मार्ग स्वरूप सागर घाट के सामने SBI क्षेत्रीय कार्यालय के पास हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाते हुए संबंधित बिल्डिंग को सीज किया गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिना स्वीकृति अवैध निर्माण किया जा रहा था। हालांकि सूचना पर निगम ने संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किया था, जिसके असंतुष्ट जवाब पर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने आगामी 3 माह या आगामी आदेश तक सीज करने की कार्रवाई मुलतवी में लाई गई और संबंधित परिसर में प्रवेश निषेध भी किया गया है। इसके दूसरी ओर बात करें निगम के जिम्मेदारों की, तो आपको याद तो होगा ऐसा ही नियम विपरीत निर्माण वार्ड नंबर 12 चौबीसा की गली मीनाक्षी जैन के द्वारा भी किया गया था और निगम के इन्हीं विभाग के जिम्मेदारों ने इसे नियम विपरीत निर्माण मानते हुए एक नहीं अंतिम नोटिस के साथ करीब 4 नोटिस जारी किए गए, जिसका जवाब के तहत संबंधित निर्माणकर्ता ने यह भी कहा था कि हमारे घर के आसपास बने हुए दोनों मकान अत्यधिक ऊंचाई पर है और हमारे घर की छत पर धूप नहीं आती है और जो सोलर प्लांट लगाया था उस पर पावर ऊर्जा एकत्रित नहीं हो पाती है। इसी बात को बताते हुए उन्होंने निर्माण करने की बात बताई थी। शायद हो सकता है संबंधित प्रार्थी के द्वारा दिए गए जवाब से निगम के जिम्मेदार संतुष्ट हो गए हो और आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। हालांकि संबंधित प्रकरण अब न्यायालय में लंबित है और जब तक अब न्यायालय का फैसला नहीं आता है तब तक निगम के जिम्मेदार भी बंदीगत में आ गए हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है कि कार्रवाई करने वाला विभाग कहीं एक नोटिस के बाद इतना मुस्तैद हो जाता है, तो वहीं विभाग के यही जिम्मेदार 4-4 नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि निगम आखिरकार किन मापदंडों के अनुरूप कहीं एक नोटिस पर कार्रवाई कर देता है तो कहीं 4-4 नोटिस देने के बाद भी हाथ मलता हुआ नजर आता है।